क्या आप जानते हैं किसी भी न्यूज़पेपर में जो फ्रंट पेज पे लीड खबर छपती है या बैनर बनती है तो उसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। यहाँ जो मूल्य है वो नैतिक कम और उसके फैक्टर्स, उसके गाइडलाइंस न्यूज़ के ज्यादा। क्या आप जानते हैं कि किसी भी न्यूज़पेपर में जो फ्रंट पेज पे लीड खबर छपती है या बैनर बनती है तो उसके पीछे कारण क्या है? क्या आप जानते हैं कि किसी भी न्यूज़ बुलेटिन में, वो टीवी न्यूज़ चैनल का बुलेटिन हो या रेडियो का बुलेटिन हो, उसमें कोई भी खबर जो है लीड क्यों बनती है और कोई भी खबर फ्रंट पेज पे टॉप पे क्यों छपती है, बॉक्स में क्यों छपती है, बॉटम में क्यों छपती है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। आज मैं उसी कारण पर बात करने वाला हूं और वो कारण है न्यूज वैल्यूज। न्यूज वैल्यू एक ऐसा फैक्टर है जो खबरों की प्रायोरिटी और इंपॉर्टेंस तय करता है। कोई भी खबर कहां छपेगी, कितनी बड़ी छपेगी, वहां पर क्यों जानी चाहिए और वो ऑडियंस के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, उन सब को डिसाइड करता है न्यूज वैल्यू। तो आज मैं उसी न्यूज वैल्यू पे आपसे बात करने वाला हूं और वो न्यूज वैल्यूज कितने होते हैं, उन न्यूज वैल्यूज को समझने के लिए, उन न्यूज वैल्यूज को महत्व देने के लिए एक जर्नलिस्ट के पास, एक एडिटर के पास किस तरीके का स्किल होना चाहिए, तो इन विभिन्न पहलुओं पर मैं आपसे बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि न्यूज वैल्यू होती क्या है। तो न्यूज वैल्यू बेसिकली जो है न्यूज फैक्टर्स हैं, ये गाइडलाइंस है किसी भी न्यूज को तय करने के लिए, न्यूज के महत्व को बताने के लिए, उसके प्लेसमेंट, वो कहां पे खबर जाएगी, कितनी बड़ी जाएगी, उसका आकार कितना बड़ा होगा और उसको प्रस्तुत करने का, प्रेजेंटेशन का तरीका क्या होगा, ये सब कुछ न्यूज वैल्यू ही डिसाइड करती है। तो मित्रों देखिए, इसमें एक चीज और समझने की जरूरत है कि मैंने पहले आपको पहले वाले वीडियो में बताया न्यूज एलिमेंट्स के बारे में। तो ये न्यूज एलिमेंट्स और न्यूज वैल्यूज, आपको वैल्यूज से ऐसा लग रहा होगा जैसे मैं कोई ऐसे नैतिकता की बात कर रहा हूं कि न्यूज में किस नैतिक मूल्यों का पालन किया जाना चाहिए। यहां जो मूल्य है वो नैतिक कम और उसके फैक्टर्स, उसके गाइडलाइंस न्यूज के ज्यादा है, तो यही समझने की जरूरत है। ये सिर्फ जर्नलिस्ट को समझने की जरूरत नहीं है, आम लोगों को भी ये समझने की जरूरत है कि कोई भी खबर जो है किसी भी न्यूज बुलेटिन की लीड क्यों बनती है। तो उसी पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो न्यूज एलिमेंट्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, न्यूज एलिमेंट किसी भी सूचना को, जनरल इंफॉर्मेशन को खबर बनाने के लिए आवश्यक है। कोई भी सूचना खबर बिना न्यूज एलिमेंट के नहीं बन सकती है। लेकिन जब हम न्यूज वैल्यूज की बात करते हैं तो न्यूज वैल्यूज से मतलब है कि खबर का प्लेसमेंट क्या होगा, खबर कितनी कहां जाएगी, खबर का आकार क्या होगा, उसका प्रेजेंटेशन कैसा होगा, ये तय करती है। उसकी प्रायोरिटी, प्लेसमेंट एंड इंपॉर्टेंस, ये तीन चीजों को प्रमुखता से डिसाइड कौन करता है, वो डिसाइड करती है न्यूज वैल्यू। मित्रों जब हम न्यूज वैल्यूज की बात करते हैं तो न्यूज वैल्यूज को भी आइडेंटिफाई करना एक कला है, एक कौशल है, वो इतना आसान नहीं है। लेकिन जो इसको थोड़ा सा समझ के साथ और थोड़ा जो है कहना चाहिए कि पेशेंस के साथ समझने की कोशिश करता है तो वो बहुत आसानी से भी समझ सकता है। तो न्यूज वैल्यूज को आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी जर्नलिस्ट के पास कुछ कौशल होना चाहिए। तो उस वो नंबर एक जो है वो है टैलेंट। टैलेंट मतलब प्रतिभा। अब देखिए, ये जो टैलेंट है वो तो आमतौर पे ईश्वर जो है आईक्यू के रूप में लगभग 7 से 8 साल की उम्र में सभी में डाल देता है। तो वो जो टैलेंट है वो थोड़ा सा चाहिए ताकि वो आइडेंटिफिकेशन हो सके, लेकिन ये उतना ज्यादा मैटर नहीं करता है। जो बाकी तीन पहलुओं के बारे में बताने वाला हूं, तीन चीजों के बारे में बताने वाला हूं, यदि उनकी अधिकता है, टैलेंट कम भी होगा तो चलेगा।
दूसरा है डिलीजेंस। डिलीजेंस मीन्स परिश्रम। आप इतने परिश्रमी होना चाहिए कि आप जो कहना चाहिए जिसकी मैं बात कर रहा हूं न्यूज वैल्यू, उसको आप पहचान सके। तो आप मेहनत से, आप लगातार प्रयास करके आप उसे कर सकते हैं, यानी उसकी यदि प्रैक्टिस करते हैं, लगातार पहचानने की प्रैक्टिस करेंगे तो यह संभव है। इसके अलावा स्किल, कौशल। देखिए, सारा मामला जर्नलिज्म में, यदि वो अच्छा जर्नलिस्ट बन सकता है, वो सफल जर्नलिस्ट बन सकता है, यदि उसमें टैलेंट कम है लेकिन वो स्किल्ड है, टैक्टफुल है। वो स्किल, यानी आज स्किल आपको सीखनी है, टेक्नोलॉजी की स्किल्स सीखनी है, खबर लिखने की स्किल्स सीखनी है, खबर को आइडेंटिफाई करने की स्किल सीखनी है, उसके प्लेसमेंट की जो उसका जो है प्रेजेंटेशन होगा उसकी स्किल सीखनी है। तो वो स्किल आइडेंटिफाई करने की न्यूज़ वैल्यूज को आपके अंदर होनी चाहिए। और इसके अलावा जो चौथी क्वालिटी है वो है एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस भी आपको बहुत कुछ सिखाता है, और एक्सपीरियंस के आधार पे आप न्यूज वैल्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं, और आइडेंटिफाई करके उसी हिसाब से। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भाई यदि आप पत्रकारिता की शुरुआत कर रहे हैं या आप नए हैं इस फील्ड में, तो एक्सपीरियंस आएगा कहाँ? काम करने से एक्सपीरियंस आएगा, स्वाभाविक तौर पे काम करने से एक्सपीरियंस आएगा। लेकिन जो भी आप करते हैं, जहां से शुरुआत करते हैं, आप अपनी गलतियों से सीखते हैं, आप काम करके सीखते हैं, लगातार प्रैक्टिस करके सीखते हैं, तो वो सीखने का जो सिलसिला है वो लगातार चलता रहता है। तो ये जो है चार, यदि आप में स्किल्स हैं, ये क्वालिटीज हैं, तो आप न्यूज वैल्यूज को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा कि ये न्यूज वैल्यूज कितने प्रकार की होती है। न्यूज वैल्यूज 10 प्रकार की होती है। सबसे पहला न्यूज वैल्यू है डिजास्टर। डिजास्टर भी दो प्रकार का होता है, एक है मैनमेड डिजास्टर और दूसरा है नेचुरल डिजास्टर। डिजास्टर यानी आपदा। तो मैनमेड डिजास्टर में बम का विस्फोट होना, एयर क्रैश हो जाना, रेल की दुर्घटना हो जाना, बस का या रोड पे कोई एक्सीडेंट हो जाना, कोई मास हैकर होना, या कोई टेररिस्ट का कहीं हमला कर देना, आग लग जाना, ये सब ऐसी चीजें हैं जो खबर के महत्व को और प्लेसमेंट को डिसाइड करती हैं। ये है मैनमेड डिजास्टर। इसके अलावा दूसरा जो डिजास्टर है वो होता है प्राकृतिक। प्राकृतिक आपदा में आपने देखा कि सुनामी है, बाढ़ है, सूखा है, बादल का फटना है, ये इस तरीके की जो नेचुरल डिजास्टर है वो भी खबर के महत्व को और प्लेसमेंट को डिसाइड करता है। दूसरा जो न्यूज वैल्यू है वो है प्रॉक्सिमिटी, यानी स्थानीयता। और स्थानीयता ये खबर के महत्व को डिसाइड करता है, उसके प्लेसमेंट को डिसाइड करता है। ये भी दो प्रकार की होती है, एक है ज्योग्राफिकल जो है प्रॉक्सिमिटी और दूसरी है इमोशनल प्रॉक्सिमिटी। अब ये दोनों क्या है? ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी मैं एक उदाहरण देके आपको समझाना चाहूंगा। सपोज करिए कि दैनिक जागरण समाचार पत्र है और वो नोएडा से निकलता है या दिल्ली से निकलता है, तो यदि दिल्ली या आसपास में कोई घटना घटती है, कोई दुर्घटना होती है, सपोज करिए कोई रोड एक्सीडेंट हो गया जिसमें 10 लोग मर गए, तो ये चूंकि दिल्ली के आसपास घटना घटी है तो ये यहां की लीड बन सकती है। लेकिन हो सकता है कि यदि यही दैनिक जागरण तमिलनाडु से निकलता है और तमिलनाडु में कोई इससे बड़ी घटना घटती है, तो तमिलनाडु के लिए वो खबर ज्यादा इंपॉर्टेंट, कोई मतलब कोई और रोड एक्सीडेंट वहां होता है, तो उस रोड एक्सीडेंट में सपोज करिए 8 ही लोग मरते हैं और कुछ लोग घायल होते हैं, तो वो तमिलनाडु से के मतलब चेन्नई से यदि मान लीजिए कोई समाचार पत्र निकल रहा है, तो उसके लिए वो खबर वहां की लीड होगा। और ये जो दिल्ली में 10 लोगों की मरने, जबकि यहां ज्यादा लोग मर रहे हैं, तो वो खबर चेन्नई में अंडर डिस्प्ले हो सकती है, अंदर वाले पेजेस में जा सकती है, लेकिन जो दिल्ली से निकलने वाला अखबार है उसके लिए दिल्ली के आसपास घटने वाली जो घटना है, दिल्ली एनसीआर के आसपास जो घटने वाली घटना या दुर्घटना है, वो बड़ी खबर है, वो फ्रंट पेज की खबर है, वो उसका डिस्प्ले भी बड़ा होगा लेकिन वहां वो डिस्प्ले छोटा हो सकता है। तो ये है प्रॉक्सिमिटी, यानी जहां से समाचार पत्र निकलता है उस स्थानीयता का बहुत महत्व है। लेकिन मैं इसी चीज को इमोशनल प्रॉक्सिमिटी के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं आपको, कि सपोज करिए वही घटना जिसके बारे में मैंने कहा कि दिल्ली आसपास कोई घटना घटी, वहां पर 10 लोग मरे, लेकिन वो 10 लोग रहने वाले कहां के हैं? तमिलनाडु के रहने वाले हैं।
अब जो समाचार पत्र दिल्ली से भी निकलता है, तमिलनाडु के चेन्नई से भी निकलता है, तो वो खबर जो 10 लोगों की मरने वाली है वो दिल्ली के लिए भी इंपॉर्टेंट है और वो चेन्नई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और चेन्नई में जो घटना घटी 8 लोगों के मरने वाली, फिर वो अंडर डिस्प्ले हो जाएगी क्योंकि वो लोग जो 10 लोग थे वो रहने वाले कहां के हैं, तमिलनाडु के रहने वाले हैं, चेन्नई या आसपास के रहने वाले हैं, तो वो 10 लोगों के मरने वाली खबर जो दिल्ली में घटना घटी वो दिल्ली के भी समाचार पत्र की लीड है और वो तमिलनाडु के भी समाचार पत्र की लीड है। कहने का मतलब प्रॉक्सिमिटी इमोशनल, इमोशनल कैसे हुआ कि वहां के लोगों का लगाव है, वो जानना चाहते हैं वहां के लोग कि भाई जो है यहाँ के लोगों के साथ ये घटना दिल्ली में घटी है तो वो खबर यहाँ भी प्रायोरिटी के साथ छपनी चाहिए और एक जो स्थानीयता है, जो मतलब ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है, वो दिल्ली के अखबार के लिए बाध्य करती है कि वो प्रमुखता के साथ उसका छापा जाए और उसका प्लेसमेंट भी वैसा तय किया जाए। तो ये है प्रॉक्सिमिटी। अब जो तीसरा है इसमें न्यूज वैल्यू, वो है टाइमलीनेस यानी सामयिकता। आज इतनी खबरें समाचार पत्रों में छपती हैं, चैनल्स में चलती हैं, न्यूज पोर्टल में आती हैं, तो उसमें एक सामयिकता का बहुत महत्व है। कोई भी कहे कि भाई आज गांधी जी पे कोई आर्टिकल लिख दीजिए, तो गांधी जी पे आर्टिकल आप कैसे लिख देंगे, कोई ना कोई उसके पीछे कारण हो। या तो गांधी जयंती आने वाली है, या गांधी जी का की पुण्यतिथि आने वाली है, या गांधी जी पे कोई नया रिसर्च हुआ है, या गांधी जी के बारे में किसी ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है, तभी वो आप उस पर लेख लिख सकते हैं या खबर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप मान लीजिए कि नोएडा के आप आरुषि हत्याकांड के बारे में आप मैं उदाहरण लेता हूं कि कोई भी कहे कि आरुषि हत्याकांड पे आज खबर लिख दो, तो भाई आज आरुषि हत्याकांड पे खबर नहीं बन सकती है। खबर कब बनेगी, या तो वो केस पुनः खुल गया अदालत में, या उसको लेके किसी ने सवाल उठाया, या कोई ऐसी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो जाए तो फिर से खबर बन जाएगी। यानी कहने का समय, टाइमलीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई चीज चर्चा में आती है तो हम उस पर खबर ब्रेक कर सकते हैं, ये टाइमलीनेस का एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो नेक्स्ट वो है न्यूज वैल्यू है, वो है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज यानी विचारों का द्वंद, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू ग्रुप्स, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू कम्युनिटीज, दो समुदायों के बीच में झगड़ा, दो समूहों के बीच में झगड़ा, विचारों का है, आमने सामने लड़ाई है, यानी जहां भी ये संघर्ष की बात इन्वॉल्व है वहां पर ये जो है खबर के महत्व को डिसाइड करता है, बताता है कि यह खबर कितनी महत्वपूर्ण है और कहां जानी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है ह्यूमन इंटरेस्ट, ह्यूमन फीलिंग। देखिए आमतौर पे तो खबर की परिभाषा यह है कि साहब जो खबर में कुछ इनोवेटिव चीज हो, कुछ अनोखापन हो, कुछ नयापन हो और वो पब्लिक इंटरेस्ट में हो, ये जरूरी है। तो कई बार ऐसा होता है कि ह्यूमन इंटरेस्ट की जब हम बात करते हैं उसमें ज्यादा पब्लिक का इंटरेस्ट ह्यूमन फीलिंग के चलते क्रिएट होता है। आप देखिए एक बच्चा बोरवेल में गिर जाता है या एक बच्चे को क्रूरता के साथ मार दिया जाता है या किसी व्यक्ति को मार दिया जाता है, किसी महिला को मार दिया जाता है, तो सभी लोग जानना चाहते हैं, देश के लोग जानना चाहते हैं उस हीनियस क्राइम के बारे में। उस वो जो बच्चा बोरवेल में 100 फीट गिर गया, उसको कैसे निकाला गया, वो बच्चा कैसा महसूस कर रहा है, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो अभी हाल में ही आपने देखा उत्तराखंड में कि किस तरीके से जो एक हाईवे की निर्माणाधीन सुरंग थी उसमें 41 मजदूर फंस गए थे और कितने दिनों तक उन्होंने जो है उनको निकालने के लिए संघर्ष किया गया, सरकार ने प्रयास किया, तो उसमें कितने न्यूज चैनल्स में, वेब पोर्टल्स में, अखबारों में खबरें छपी ह्यूमन एंगल पे आधारित कि उन मजदूर कैसा महसूस कर रहे होंगे, उनके खाने पीने का क्या हो रहा होगा, मजदूरों के परिवार वालों की क्या स्थिति है, उनके बच्चों की क्या स्थिति है, ये सारी ह्यूमन फीलिंग्स पे स्टोरी सिर्फ खाली उत्तराखंड की खबर नहीं थी, वो दिल्ली की खबर नहीं थी, पूरे देश की खबर थी, देश के लोगों की निगाहें इन खबरों पर लगी हुई थी। तो ये एक जो है ह्यूमन एंगल जो है न्यूज वैल्यू को डिसाइड करता है। इसके अलावा प्रोमिनेंस, प्रोमिनेंस मीन्स देखिए कौन सा प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है, कौन सा प्रोमिनेंट प्लेस है, कौन सी प्रोमिनेंट चीज है जिसके चलते खबर का महत्व डिसाइड होता है। और ये देखिए आम आदमी के साथ कोई घटना घटती है, आम आदमी को की हत्या भी होती है तो छोटी सी खबर है, और यदि आम लोगों के साथ ऐसा हादसा होता है तो छोटी सी खबर है, लेकिन यदि किसी प्रोमिनेंट, किसी वीआईपी के साथ यदि कोई घटना घटती है, उसकी सुरक्षा में सेंध भी लग जाती है, तो बहुत बड़ी खबर हो जाती है।
आज यदि कोई फिल्म एक्टर है, कोई बड़ा पॉलिटिशियन है और वो कोई बयान भी देता है या उसके साथ कोई दुर्व्यवहार करता है, थप्पड़ मार देता है, तो बहुत बड़ी खबर है। लेकिन आम आदमी एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं, सिर्फ टवल भी होता है, तो छोटी सी खबर है, लोकल की खबर बताई जाती है। लेकिन पॉलिटिशियन एक्टर के साथ, आज अमिताभ, ईश्वर ना करे कि मतलब किसी भी बड़े एक्टर के साथ ऐसी हो, लेकिन कोई भी मतलब घटना, दुर्घटना होती है तो वो बहुत बड़ी खबर बन जाती है। उसका कारण है प्रोमिनेंस। तो प्रोमिनेंस का जो फैक्टर है वो खबर के महत्व को और प्लेसमेंट को बहुत प्रमुखता के साथ डिसाइड करता है। और अगला जो न्यूज वैल्यू है वो है इनोवेशन, नवाचार। यानी कोई भी नई चीज घटित होती है, नया कोई रिसर्च आता है, नई कोई टेक्नोलॉजी आती है, नया कोई सिलेबस आता है, नई कुछ भी नवीनता यदि आती है, चाहे वो सिलेबस में हो, आपके आचार में, आपके व्यवहार में, आपके सिलेबस में, देश में, तो नई सरकार आती है, जो भी नयापन है वो खबर के महत्व के बारे में और प्रायोरिटी के बारे में डिसाइड करता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण न्यूज वैल्यू है। इसके अलावा कॉन्सिक्वेंस, परिणाम। आज अभी आपने देखा कि 5 राज्यों में चुनाव हुए, और 5 राज्यों के चुनाव के बाद जो परिणाम आए वो अपने आप में बहुत बड़ी खबर थी। कोई भी परीक्षा होती है उसका रिजल्ट आता है, वो भी बड़ी खबर है, वो चाहे नीट की परीक्षा हो, चाहे वो जेईई मेंस की परीक्षा हो, तो या सिविल सर्विसेज की परीक्षा हो, तो वो जब चीज आती है, परिणाम आता है, तो उस परिणाम के बारे में हर व्यक्ति जानना चाहता है, तो उसको इसीलिए प्रमुखता के साथ बताया जाता है और दिया जाता है। अगला जो न्यूज वैल्यू है वो है चेंज, और चेंज मीन्स परिवर्तन। परिवर्तन मौसम में, परिवर्तन सिलेबस में, परिवर्तन सरकार में, परिवर्तन व्यवस्था में, परिवर्तन, यानी किसी भी तरीके का जो परिवर्तन है वो खबर जो है बनाता है। और खबर बनाता ही नहीं है, खबर के महत्व के बाद परिवर्तन भी किस तरीके का, नॉर्मल परिवर्तन है, बड़ा परिवर्तन है, बड़ा परिवर्तन है तो नेचुरली आपको बड़ी खबर बनानी है, उसी हिसाब से उसका प्लेसमेंट तय करना है, उसी हिसाब से आपको प्रायोरिटी देनी है, वो चाहे हम चैनल की बात करें या समाचार पत्र की बात करें। तो ये चीजें डिसाइड करती हैं कि किस तरीके से खबर को प्लेस किया जाएगा। इसके अलावा एक और न्यूज वैल्यू है, वो है इंटरटेनमेंट, मनोरंजन। आज मनोरंजन एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया है खबर के डिसीजन में, बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। आज आप फैशन की बात करें, आप टेलीविजन के सीरियल्स की बात करें, टेलीविजन में आने वाले परिवर्तन की बात करें, फिल्म की बात करें, एक्टिंग की बात करें, आज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में भी और सोशल मीडिया में भी इंटरटेनमेंट की इतनी चीजें हैं, वो लोक नृत्य है, वो नॉर्मल वेस्टर्न संगीत है, म्यूजिक है, बहुत सारी चीजें हैं जो मनोरंजन से जुड़ी हुई हैं, गेमिंग को भी आप ले सकते हैं। तो इस तरीके का जो ये फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज वैल्यू है। अब सवाल ये उठता है कि कई बार ऐसा होता है कि ये जो मैंने 10 न्यूज वैल्यूज के बारे में आपको बताया, किसी सूचना में एक न्यूज वैल्यू है, किसी में 2 न्यूज वैल्यूज है, पता चला कोई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, प्रोमिनेंट फिगर है जिसके साथ कोई बात होती है, या वो कोई नई चीज करता है, तो कई बार आपको पता चलेगा कि एक ही सूचना में, एक ही खबर में इनोवेशन भी है और उसमें प्रोमिनेंस भी है, प्रॉक्सिमिटी भी है। तो ये जो कई कई जब न्यूज वैल्यू जुड़ती हैं तो खबर के इंपॉर्टेंस को उसी तरीके से डिसाइड भी करती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो जर्नलिस्ट है, एडिटर्स हैं, वो न्यूज वैल्यू के आधार पर खबरें प्रस्तुत करते हैं। यही कारण है कि हम खबरों का जो प्लेसमेंट देखते हैं कि भाई फ्रंट पेज पे लीजिए, ये तो खबर भाई आपको लगता है, आज लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, लेकिन वो दूसरे दिन अंदर वाले किसी पेज पे खबर लगी होती है और दूसरी खबर फ्रंट पेज पे होती है। तो न्यूज वैल्यू ही उसका जो है प्लेसमेंट, उसकी प्रायोरिटी, उसका इंपॉर्टेंस तय कर देती है। तो मित्रों, मुझे लगता है कि आज जो मैंने आपको न्यूज वैल्यूज के बारे में जानकारी दी वो आपको पसंद आई होगी, और यदि ये जानकारी आपको पसंद आई और आप तक अभी आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।